दोस्तों, आज ये भारत बंद का हमारा जो भी इंडिया जो आज हमारा शटडाउन हुआ है, इसका फोर्थ डे है। फोर्थ डे को आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो ठसा ठस भरा रहता है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, अभी पूरा तरह से खाली है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जो हमें फ्यूचर में ये बताता है कि किसी भी क्राइसिस को हमें कैसे हैंडल करेंगे आने वाले समय में। दोस्तों, वायरस आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखिए, ये अब सिचुएशन ये है कि जो इमरजेंसी के मरीज होंगे, जिनको अंदर हार्ट अटैक आ रहा होगा या जिनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी इमरजेंसी की, शायद वो बड़ी मुश्किल से ही बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंसेज आप देख रहे हो मेरे सामने आ रही हैं, तो ये JPM एपेक्स ट्रॉमा सेंटर से आई हैं। तो प्राइवेट एम्बुलेंसेज तो एक दूसरे की जगह पे मतलब इंटरफेयर कर रही हैं, बट जो कि हमारी जैसे अभी HR की गाड़ी है, हरियाणा से आई है, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत महसूस करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल OPD में आना चाह रहे हैं किसी भी अस्पताल में, तो शायद आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जनरल OPDs अभी खुली नहीं है। AIIMS में मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, जनरल OPDs नहीं खुली हैं, तो आप बिना मतलब अपना समय बेकार मत करिए। अगर आपके पास कोई बहुत छोटी मोटी बीमारी के लिए आप आ रहे हैं, तो कृपया करके इधर मत आइए। लेकिन हाँ, अगर आपकी बीमारी आपको लगता है सीरियस है, बहुत सीरियस मैटर है, तो आप ज़रूर आ सकते हैं, कैजुअलिटी में आपको देखा जाएगा। और केवल तभी आइए जब आपके साथ कोई ट्रॉमा, कोई आकस्मिक विपदा या आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसके लिए आपको लगता है कि इसमें आपको तत्काल ही डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, तो आप उस बारे में यहाँ पे ज़रूर आइए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिना मतलब भीड़ भाड़ ऐसी जगह ना बढ़ाइए। पुलिस यहाँ पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, और किसी भी अप्रिय घटना या अप्रिय व्यक्ति का चार से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके लिए जेल भी है, जुर्माने भी हैं। तो आपसे यही राय है कि आप ऐसे जगह पे भीड़ ना करिए ज़बरदस्ती। धन्यवाद दोस्तों। आपको इस बारे में कुछ पूछना हो कि आज जो इंडिया शटडाउन का चौथा दिन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।